आज रात सोने के पहले अपने तकिए के नीचे ये चीज दबा देना, प्यार हमेशा दबकर रहेगा। अब आपको दबने की जरूरत नहीं, अब आपको सहमने की जरूरत नहीं, अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। वो कहीं भी हो, तुमसे बात नहीं कर रहे बस इतनी सी बात है, या तुमसे बहुत दूर है बस इतनी सी बात है। तुम्हारी हमेशा बेइज्जती होती रही, तुम्हारा मान सम्मान इस रिश्ते में रहा नहीं, आज से वो सब होगा। रिश्ता पूरा तुम्हारी मुट्ठी में होगा, पूरा विश्लेषण बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ रिश्तों को बाखूबी समझा जाता है। शादी हो नहीं रही, शादी चल नहीं रही, शादी के बाद कोई दिक्कत है, शादी के इतर कोई दिक्कत है, लव रिलेशन में, रिलेशनशिप में, लव लाइफ में कहीं कोई तकलीफ है, उसका सीधा समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। और समाधान अभी से नहीं, पिछले 20-21 सालों से समाधान हो रहा है। अभी तक जो लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके उनकी संख्या 21 लाख है। और यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है और सब निरंतर जारी है, सब कंटिन्यू है। कोई भी चीज किसी भी स्तर पर सामान्य नहीं की गई, हर चीज को बाखूबी समझा गया, बाखूबी निभाया गया। और इस यात्रा को कुछ दिनों से ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी चलाया जा रहा है। यूट्यूब पर भी हमारे परिवार में, कुटुंब में, वंश में 1 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ये अलग समुदाय है, ये अलग संप्रदाय है पूरा, ये अलग पाठशाला है, ये अलग कक्षा है, ये अलग एजुकेशन सेंटर है। यहाँ प्यार में सच्चाई होती है, सच्चे प्यार में लोगों को जिताया जाता है, यहाँ सच्चे प्रेमियों को मिलवाया जाता है, यहाँ सच्चे रिश्तों को हर हाल में मिलने पर पहुंचाया जाता है। सफलता का एक ही आयाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी, पूरे प्रमाणित तरीके से वेदोक्त, शास्त्रोक्त और प्रमाणोक्त के साथ। हम लीगली इस चीज को आपके साथ हर दिन साझा करते हैं। आज का उपाय हम बहुत सीधा तरीके से आपको आपके साथ साझा कर रहे हैं। तकिए के नीचे ये चीज दबानी है, इससे आपका रिश्ता आपके साथ दबके रहेगा। रिश्ते तब बाखूबी चलते हैं या तो समकक्ष हो या तो नीचे हो। बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त रिश्तों को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिन रिश्तों में सम्मान नहीं हो, जिन रिश्तों में मान नहीं हो, जिन रिश्तों में अपना स्वाभिमान नहीं हो, जिन रिश्तों में कोई अहमियत नहीं है, जिस रिश्ते में हमेशा बदनामी, हमेशा डाउट, शक, संदेह और सिर्फ अपनी अहमियत बताने की कोशिश की जाती है, ऐसे रिश्तों को चलाना असंभव हो जाता है। रिश्तों का टूटना, रिश्तों को टूटने का एक ही कारण है, वो है संदेह, शक या अविश्वास। रिश्ता कभी भी एक तरफ से नहीं टूटता। कदाचित हो सकता है कि तुम ज्यादा दुखी हो, तुम्हें अपनी गलतियां नहीं नजर आ रही हो, पर बच्चे ध्यान से समझना, गलतियां हैं तो दोनों की। चूंकि सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, प्रेम तो दोनों तरफ की व्यवस्था है, एक तरफ की नहीं। नफरत, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, प्रपंच सब दोनों तरफ है।
किसी ने कहा वो बहुत झगड़ा करते हैं। झगड़ा एक आदमी कर ही नहीं सकता, एक आदमी चिल्लाएगा दूसरा सुनेगा तो बोले डांट रहे थे, झगड़ा कैसे कर रहे थे, झगड़ा तो दोनों लोग करेंगे ना। तो जब तुमने कुछ कहा और सामने वाले ने भी कुछ, उत्तर में प्रत्युत्तर संवाद हो रहा है उसे झगड़ा कहते हैं, प्रश्नोत्तरी को नहीं, या केवल और केवल श्रोता को नहीं, एक वक्ता है और एक श्रोता है तो कथा हो रही है, और जब संवाद हो रहा है तो तर्क हो रही है। तर्क और कुतर्क झगड़े को कहते हैं। प्रेम पलता है दोनों ओर, प्रेम पलता है दोनों ओर, प्रेम पलता है, संवाद बोथ साइड होता है, झगड़े विवाद। जब तुमने किसी को प्रेम में भगवान मान लिया तो वो तो वक्ता है और तुम श्रोता हो, वो जो बोले तुम सुनते रहो तो झगड़ा कैसे होगा। झगड़ा ईगो अभिमान घमंड, क्या चंद लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत जाती है। एक सहेली ने, एक सखी ने दूसरी सखी से कहा, जरा बताना अगर समा और परवाने का प्रेम सच्चा है और इनकी उपमा पूरा विश्व देता है तो समा परवाने को जला क्यों देती। इस बात पर समा ने लहरा कर जवाब दिया, जरा समझना, बोली जलाकर खाख न करती तो भला क्या करती, जलाकर खाख न करती तो भला क्या करती, भरी महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया। क्या किया, भरी महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया। मतलब सबके सामने ऐसा क्यों किया। तो बात तो वही आती है ना, किसी के सामने तुम्हारी इज्जत चली गई, सबके सामने मुझे ऐसा कह दिया, सबके सामने मुझे ऐसा बोल दिया, बस यहीं से तो सब खत्म होने लगता है। अरे क्या ही फर्क पड़ता है, जरा हंसकर टालना सीखो। सीख दे रहा हूं मेरे बच्चों, समझना मैं तुम्हारी कमियां बता रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं कर रहा, हो सकता है तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगे, लेकिन ध्यान से समझना, प्यार क्यों छोड़ना चाहते हो, प्यार तो तुम्हारा है ना, इसे अपनाना, इसे अपना बनाना, यही जीवन है, यही उद्देश्य है। अगर ये सब सच है तो तुम्हें भी सुधरना होगा, अगर तुम तैयार हो तो सब तैयार है, क्योंकि दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो, खुद को तैयार करो, खुदी को कर बुलंद इतना, कितना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये सिचुएशन बनानी होगी तुम्हें, मैं तैयार हूं तुम्हें उस लेवल पर तैयार करने के लिए, क्या तुम भी तत्पर हो, क्या तुम सच में चाहते हो, अगर हाँ तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, हाँ तो ये विश्वास रखना ये प्लेटफॉर्म सिर्फ तुम्हारे लिए है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कब लाइक करते हो, कब डिसलाइक करते हो, कब सब्सक्राइब करते हो, कब कमेंट करते हो, कब शेयर करते हो, फर्क किससे पड़ता है, तुम्हारे ठीक हो जाने से, तुम्हारे जीवन में खुशियां आने से, तुम्हारा लाइफ बहुत बेहतर बन जाने से, उससे खुशी मिलती है। तुम तैयार हो अगर तो मैं भी तैयार हूं। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तुम्हें सीधा उपाय बताते हैं, उसके पहले वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं, वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पति आज मुझसे खुद बोले कि मंदी चलो, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड
मेरी बात सुने और मुझे अपने साथ मंदिर ले जाने के लिए खुद बोले। मैं बहुत खुश हूँ और आपको दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरुजी। बस मेरा गोद फिर से भर जाए, बस यही आपसे इच्छा है। प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत सारी खुशियाँ मिले तुम्हें। तुम्हारी हर मनोरथ, तुम्हारा हर मनोरथ, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो और तुम सदैव खुश रहो। ये छोटी छोटी खुशियाँ, उनका परिवर्तन आने लग जाना, अपने साथ घुमाने ले जाने लगना, मंदिर मस्जिद जहाँ भी ले जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनका मन परिवर्तित हो रहा है। अब तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें भी उसी तरह से चेंज होना है। जैसे जैसे तुम खुद भी चेंज होगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत खुश रहिए, अच्छे से रहिए, तुम्हारा सब ठीक होगा। उपाय की बात कर रहा हूँ। उपाय अपने आप में बड़ा कारगर है। आज का उपाय, तकिए के नीचे ये चीज दबा देना, आपका प्यार रिश्ता दबकर रहेगा। आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका संबंध हमेशा आपका रहेगा। आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका संबंध, आपका लव, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका जो भी रिलेशन है, उस रिलेशन में तुम्हारा आधिपत्य होगा, तुम्हारा अधिकार होगा, तुम्हारी चलन होगी और तुम लीड करोगे। जानो वो पूरा तरीका और ढंग क्या दबा कर रखना है। आपको एक लाल कपड़ा बड़ा लेना है। कितना? कम से कम मुट्ठी बंद करके अगर ऐसे किया जाए तो वो कपड़ा इसके बराबर का होना चाहिए। अंगूठा सीधा कर लीजिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए और ऐसे मिलाकर नाप लीजिए। इस लाल कपड़े में हल्दी से अपने प्यार का 27 बार छोटा 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 नाम लिख लीजिए। उसके बाद इसके अंदर 2 खड़ी हल्दी, थोड़ी सी खड़ी धनिया, 1 तेज पत्ता जिसमें स्वास्तिक और श्री लिख दीजिए रोली से, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको थोड़ा सा हो सकता है तरीके से रखना पड़े, छोटा मोर पंख जितना भी मिल सके। जितना भी नहीं मिले तो बड़े मोर पंख का छोटा टुकड़ा भी रख सकते हो। उसे इसमें रख करके पूरा अच्छी तरीके से गांठ मारिए और अपने तकिए के नीचे दबा करके रात में सो जाइए। सवेरे जब आप उठेंगे तो सबसे पहले इसे जमीन पर रख करके पहला पांव आपको इसी के ऊपर रखना है और हट जाना है, और इसे कहीं भी सुनसान जगह में सबसे पहले फेंकना, उसके बाद ही कोई दिनचर्या शुरू करनी है। बस ये टोटका आपके प्यार को आपका गुलाम बना देगा, हमेशा वो तुम्हारे सामने तप कर रहेगा। ये काम रविवार, मंगलवार, शनिवार या गुरुवार के दिन बहुत प्रभाव देने की व्यवस्था है इसमें, तो आप इसको बहुत मन से करिए, बड़ी श्रद्धा से करिए और खूब सफल होइए। ध्यान रहे, अपना बहुत ख्याल रखना, तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी नहीं होना, जितना हो सके सकारात्मक रहो। प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, उल्टा सीधा सोचना और दुखी रहना, ये सब बंद कर दीजिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।